नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ, वीजा से रिलेटेड इंपोर्टेंट अपना अभी टॉपिक यही चल रहा है भाई, वीजा टिकट, वीजा टिकट, वीजा टिकट होगा तभी सब कुछ अपन कुछ कर पाएंगे। तो आज एक लेटेस्ट अपडेट वीजा से रिलेटेड है, जो कौन सा वीजा, जो इंडिया से यूएई दुबई जाने के लिए। जी हाँ साथियों, कुछ नए अपडेट निकल के आए हैं और जल्द ही उम्मीद है भैया इस पे जो लोग दुबई जाने का वेट कर रहे हैं, जल्द ही, यानी जल्द ही का मतलब शायद 1 वीक में आपका समस्या का समाधान हो सकता है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को जरूर फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई आज दुबई वे के जो हमारे इंडियन राष्ट्र दो दूत हैं एम्बेसी के, पवन कपूर जी, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ट्वीट भी किया है और भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारा इंडियन लोगों के लिए वीज़ा से रिलेटेड जो प्रोसेस स्टॉप हुआ है, पिछले मार्च 17 से स्टॉप हुआ है, अभी तक स्टॉप ही चल रहा है, 5 महीने हो गए, इसको रीस्टार्ट किया जाए। उनका तर्क ये था कि जो बड़े लोग, बड़े कंट्री हैं, यूरोपीय कंट्री, उन्होंने ही इंडिया के लिए वीज़ा स्टार्ट कर दिए हैं, तो दुबई वीज़ा सरकार को भी कर देने चाहिए क्योंकि इस पे रोक लगी हुई। आपको पता है अभी कल की एक न्यूज़ है कि कुछ एजेंटों के माध्यम से वीज़ा आपको मिल जाएगा, वीज़ा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वीज़ा सरकार ने वीज़ा स्टार्ट कर दिए, पिछले अगस्त से स्टार्ट कर दिए थे, आपको सबको पता है। तो जैसे आप किसी एजेंट के माध्यम से वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे 1 मंथ 3 मंथ, वो वीज़ा आपको मिल जाएगा क्योंकि सरकार वीज़ा भेजती है आपको, तो उसको पैसा मिलता है। अब वीज़ा लेने के बाद बात आ जाती है वहाँ जाने की, ट्रेवल करने की, तो उसमें अभी तक रोक लगी हुई है। अभी पिछले 2 दिन पहले लगभग 7-8 लोगों को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। जी हाँ, एजेंटों से उन्होंने वीज़ा ले लिया, टिकट भी बुक हो जाती है क्योंकि अभी तो टिकट हो रही है, एयर बबल्स के थ्रू टिकटें मिल रही हैं, तो टिकट भी बुक हो गई, वीज़ा भी मिल गया, लेकिन एयरपोर्ट पर रोक लिया गया क्योंकि अभी कंडीशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट वाले जिनके पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ है वही जा सकते हैं, बाकी कोई अलाउ नहीं है। तो उनका वीज़ा तो हालांकि ख़राब नहीं हुआ, 2 मंथ का उसमें टाइम मिल जाता है, ठीक है, लेकिन टिकट का जो भी 20-25 हज़ार का टिकट था वो उनका ख़त्म हो गया। तो मेरे भाई रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं दुबई वीज़ा से रिलेटेड, तो एजेंटों से वीज़ा आपको मिल जाएगा नो डाउट, लेकिन इतना जल्दबाजी न करें, ठीक है, थोड़ा वेट कर लें। ये सरकार जैसे ही घोषणा करेगी कि भाई ठीक है हम विजिट वीज़ा वालों को एंट्री देंगे, तो वीज़ा तो मात्र और मात्र 1 मंथ वाला 1 दिन में मिल जाता है, 3 मंथ वाला 3 दिन में मिल जाता है, इतना ही चक्कर है। तो फालतू में क्यों वीज़ा लेके पैसा वेस्ट कर रहे हो, फिर टिकट भी लेनी, तो कहने का मतलब थोड़ा वेट करें, लास्ट शायद 1 वीक में मेरे हिसाब से वीज़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई वीज़ा लीजिए, टिकट लीजिए, फ्लाइट कर लीजिए, आपको वहाँ जॉब करना है, घूमने जाना है, बिजनेस करना है, आपकी मर्जी है। बस ये आप लोगों को अपडेट देनी थी भाई। पवन पुरी ने भी, जो हमारे दूत हैं एम्बेसी के, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है, मीटिंगें चल रही हैं, जल्द इस पर निर्णय होने वाला है, किसी के बहकाव में आपको आने की जरूरत नहीं है, टिकटें वगैरह खराब करने की जरूरत नहीं है, पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका। बस यही अपडेट आप लोगों के साथ देनी थी साथी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।